वेलकम टू देवकेश एकेडमी, दिस इज कुमार कृष्णा। मैं यहाँ पे आपको भारत की ज्योग्राफी में आपको कवर कर दिया, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे दो बातों पे चर्चा की थी, एक ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें, दूसरा इसके अंदर क्या क्या पढ़ें। ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी के लिए सबसे पहली बात तो जो पढ़े शब्द है वो सही नहीं है। मैंने कहा था कि ज्योग्राफी एक पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक सीखने का सब्जेक्ट है। तब मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी के लिए पढ़े शब्द यूज ना करके हम यूज करेंगे सीखे शब्द का, मैंने आपको यह बताया था। ठीक है, इसी डायरेक्शन में जब मैंने कहा था कि ज्योग्राफी हमें सीखनी है तो कैसे सीखनी है, इसके लिए मैंने बात करी थी। मैंने आपको बताया था एक चीज होती है नजर और एक होता है नजरिया। ठीक है, हमें ज्योग्राफी को सीखने के लिए नजर का यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है नजरिए का। हमें यूज किसके पे, हमें यूज करना है नजरिए का। ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन आपको दिया था। अब ध्यान रखना, आज जो मैं बात करने वाला हूं, क्या आज मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर देने वाला हूं? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, आज मैं ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं करने वाला हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ज्योग्राफी के बारे में दो शब्द। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी के बारे में दो बात मैं डिस्कस करूंगा। पहली बात, ज्योग्राफी एक विषय के रूप में कैसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक विषय के रूप में कैसे सब्जेक्ट है, और दूसरा ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, भूगोल हम किसे कहते हैं। इन दो बातों पे आज का मेरा लेक्चर डिपेंड रहेगा। ठीक है, चलिए तो बात शुरू करते हैं पहली बात के ऊपर, जहां मैंने कहा मैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, चलिए जैसा मैंने यहां पर लिखा हुआ है, भूगोल एक विषय के रूप में, पहला पॉइंट अपना ध्यान रखना। जब मैं बात करता हूं भूगोल एक विषय के रूप में, तो बात मेरी शुरू होती है यहां से कि भूगोल एक अनुभव करने वाला। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना आज का लेक्चर। अगर आज का लेक्चर समझ नहीं आया तो समझ लेना कि ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी, बहुत ध्यान समझना। मैंने कहा भूगोल एक अनुभव करने वाला काल्पनिक विषय है, भूगोल एक अनुभव करने वाला काल्पनिक विषय है। ठीक है, यानी कि जो भूगोल जो सब्जेक्ट है वो मेरा किस पे आधारित है, कल्पनाओं पे आधारित एक सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, भूगोल एक अनुभव करने वाला काल्पनिक विषय है जो हमारे नजरिए को व्यापक बनाता है, जो हमारे नजरिए को, जो हमारा एक बार ध्यान रखना, मैंने आपको क्लास क्लास में बताया था नजर और नजरिया। ठीक है, जो हमारे नजरिए को व्यापक बनाता है, वो जो कल्पना है वो हमारे नजरिए को व्यापक बनाती है, मैंने आपको ये बताया। अब ध्यान रखना कैसे, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद सबसे पहले वो अपना घर देखता है, तो उसका जो नजरिया है वो अपने माँ बाप घर तक ही उसका नजरिया सीमित रहता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसका नजरिया गांव तक पहुंचता है। ठीक है, वो अपने गांव आस पड़ोस को देखता है। ठीक है, उसके बाद जाकर के और बड़ा होता है, अपने अपने जो आस पास के छोटे छोटे कस्बे हैं वहां तक नजरिया पहुंचता है। उसके बाद जाकर उसकी जो नजरिया है वो पहुंचता है देश के लेवल पर। ठीक है, गांव से नजरिया देश में पहुंचा। ठीक है, हमारा देश कैसा है, देश के बाद नजरिया पहुंचता है विश्व यानी कि संसार तक, नजरिया हमारा चला जाता है, और उसके बाद हमारा जो नजरिया है वो चला जाता है ब्रह्मांड तक। ठीक, तो यानी कि ये सब कैसे होता है, ये सब कल्पनाओं पे आधारित होता है। ठीक है, गांव से लेके ब्रह्मांड तक का जो सफर है ये हम तय नहीं कर सकते हैं, ये तय कर सकता है केवल और केवल हमारी कल्पनाएं, याद रखना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया भूगोल एक अनुभव करने वाला काल्पनिक विषय है जो हमारे नजरिए को व्यापक बनाता है। अब ध्यान रखना, वास्तव में देखो मैंने आपको लिखा है, रियल में जो भूगोल है वो एक अनुभव करने वाला सब्जेक्ट है। रियल में, वास्तव में जो भूगोल है वो एक अनुभव करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन इस भूगोल का जो अध्ययन है, इस भूगोल का जो अध्ययन है वो काल्पनिक है। समझ में आ रहा है क्या, इस भूगोल का जो अध्ययन है वो काल्पनिक है, ध्यान से समझना। कैसे, मतलब कैसे, ये जो भूगोल है वास्तव में तो क्या, अनुभव की चीज है।
ठीक है, हवा चल रही है अनुभव कर सकता हूं, हवा चल रही है अनुभव कर सकता हूं, ठीक है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन ले रहे हैं छोड़ रहे हैं व्हाट टाइपर जो भी है, ठीक है, अनुभव किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन जब मैं एक अध्ययन के दृष्टिकोण से आपको यहां पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, तो ना तो मैं आपको यहां पे कोई पेड़ दिखा सकता हूं, ठीक है, ना ही मैं यहां पे कोई नदी आपको दिखा सकता हूं, ठीक है, ना ही मैं यहां पे ब्रह्मांड लाके आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से आपको यह कैसा सब्जेक्ट है, एक कल्पनाओं पे आधारित एक सब्जेक्ट है, समझ आ रहा है क्या, ठीक है। विषुवत रेखा है, मैंने बोला आपने कि भैया ये जा रही है कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, क्या दिख रही है, नहीं दिख रही है, ठीक है, वो एक काल्पनिक रेखा ही है, वो एक काल्पनिक रेखा ही है, तो वो हमें दिख नहीं सकती। ध्यान रखना, किताबों में जितना भी तुम पढ़ रहे हो वो सारी आपकी कल्पनाओं पर आधारित है, किताब में, भूगोल की किताब में आपको जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलती है वो सब आप कल्पना करके ही उसे पढ़ते हो। अब ध्यान रखना, कल्पना जो इंसान जितनी अच्छी कर सकता है, जिसके सोचने का नजरिया जितना अच्छा हो सकता है, उसकी ज्योग्राफी उतनी ही अच्छी हो जाती है, समझ में आ रहा है क्या। अब जरा मैं आपको लेके चलता हूं वहां पे जहां मुझे करनी है कल्पनाएं, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, किस तरह से मुझे यहां पे कल्पना, ध्यान रखना, ज्योग्राफी को समझने के लिए मुझे कल्पनाओं का सहारा लेना पड़ता है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल, बहुत हम समझ के चलना, ठीक है, ध्यान रखना। जब मैं बात कल्पनाओं की करता हूं, जब मैं बात कल्पनाओं की करता हूं, तब इसमें एक थ्योरी आती है। जब मैं बात किसके यहां पे, जब मैं बात कल्पनाओं की करता हूं, तब इसमें एक थ्योरी का नाम आता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग थ्योरी, जिसे हम क्या बोलते हैं यहां पे, स्ट्रिंग थ्योरी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत डायमेंशंस की कल्पना की जाती है, आयामों की कल्पना की जाती है। मैंने आपको यह समझाया, ठीक हो गया, क्या समझाया मैंने आपको, मैंने बोला भूगोल एक काल्पनिक सब्जेक्ट है, कल्पनाओं पे आधारित एक सब्जेक्ट है, इसका अध्ययन भी काल्पनिक है, तो जो कल्पनाएं हैं वो कैसे करनी है। ध्यान रखना, अगर आपको ज्योग्राफी की कल्पनाओं को समझना है तो समझना होगा डायमेंशंस को, अगर आपको ज्योग्राफी की कल्पनाओं को समझना है तो आपको समझना होगा डायमेंशन को। डायमेंशन क्या होती है भैया, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में क्या, आयाम, ठीक है। इसका अध्ययन जिस थ्योरी के अंदर किया जाता है उसे बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग थ्योरी, आपको समझ में आ रहा हो। अब कल्पनाओं के लिए क्या समझना जरूरी है, डायमेंशन, आयाम, तो एक बात ये आ जाती है यहां पे कि भैया ये जो आयाम है ये किस बला का नाम है, ठीक है, कौन सी बला है आयाम, जरा सा इससे पहले मैं आपको यहां पे समझा करके चलता हूं। ध्यान रखना, आपने इंटर में एक चैप्टर पढ़ा होगा 11th 12th में, क्या, जिस चैप्टर का नाम था भैया तरंग, ठीक है, होता क्या है, ध्यान रखना, जब कोई तरंग, जब कोई तरंग अपने शीर्ष पे पहुंचती है, ठीक है, अपने शीर्ष पहुंचती है, देन फिर वो डाउन में हो जा करके अपने गर्त में जाती है, फिर अपने शीर्ष पहुंचती है और फिर ये गर्त में जाती है, कुछ तरह, मतलब तरंग की जो गति होती है वो इस तरह से होती है, जिसे वेवलेंथ कहा जाता है, आप जानते हो तरंग दैर्ध्य। अब ध्यान रखना, जब, ध्यान सुनना, आयाम क्या है, जब तरंग अपने शीर्ष की ऊंचाई, ठीक है, तरंग के शीर्ष की ऊंचाई और अपने गर्त की गहराई, ध्यान रखना, तरंग के शीर्ष की ऊंचाई और गर्त की जो गहराई है इसे बोलते हैं आयाम। क्लियर हो गया, ठीक है, इसे क्या बोला मैंने यहां पे, इसे आयाम कहा जाता है, ध्यान रखना। अब भूगोल के दृष्टिकोण में क्या मतलब है इस आयाम का, देखो ध्यान रखना, ये थोड़ा फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी है, ध्यान समझना, ठीक है, भूगोल के दृष्टिकोण में आयाम का क्या मतलब, क्या यूज है, जरा समझाता हूं, समझना। जैसे फिजिक्स में लंबाई को नापने के लिए मीटर होता है, ठीक है, ठीक है, हर चीज के मेजरमेंट के यूनिट होती है, ध्यान रखना, ठीक है, लंबाई के लिए मीटर का यूज करता हूं मैं, समय के लिए मैं सेकंड का यूज करता हूं, करंट के लिए मैं यहां पे एम्पियर का यूज करता हूं, ठीक है, टेम्परेचर के लिए मैं यहां पे केल्विन का यूज करता हूं, उसी तरह से ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं आयाम का।
क्लियर हो गया। हम यूज किस करते हैं, हम आयाम का यूज करते हैं, डायमेंशन का। अब ध्यान रखना इसका मतलब एक बात यहां पे ये आती है, ध्यान रखना, जो भी तुम सोच सकते हो इस पृथ्वी लोक पे रहने वाला कोई भी इंसान, जो भी, ठीक है, वो कुछ जो भी वो सोच सकता है वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं घटित हो रहा होता है। समझ में आ रहा है क्या? इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, और वो जितने भी लोग हैं, वो जो भी कल्पना कर सकते हैं, वो सारी घटनाएं ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं चल रही होती हैं, और उसी उन्हीं के लिए, ठीक है, ब्रह्मांड की जो घटना है इन्हें मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने आयाम का यूज करते हैं। मैंने आपको यह बताया, आपको एक बात समझ आ रही क्या? देखो, इन बातों को समझना पड़ेगा आपको बहुत ध्यान से, तभी जाकर के चीजें हो पाएंगी। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना। तो मैंने बोला मतलब कहने का मेरे यहां पे ये है, तुम जो भी सोच सकते हो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया देखो जहां पे ये विश्वत जो रेखा है, विश्वत रेखा, ये विश्वत रेखा एक नहीं होकर के दो है, अगर आपने ऐसे सोच लिया कि विश्वत रेखा एक ना होकर के दो है, तो ये दो विश्वत रेखाएं ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आप कल्पना कर सकते हो, वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं घटित हो रहा है। अगर तुम सोच सकते हो कि ब्रह्मांड में एक शहर इस टाइम पे डूब रहा है पानी से, तो ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है ब्रह्मांड के अंदर। ध्यान रखना ये है कल्पना, ये क्या है, ये है कल्पना, ये है स्ट्रिंग थ्योरी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्ट्रिंग थ्योरी कहती है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि जितने भी व्यक्ति यहां पर पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं, वो जो भी सोच रहे हैं वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सूरज एक नहीं है, सूरज दो है, सूरज दस है, सूरज सौ है, सूरज हजार है, तो इसका मतलब ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं सूरज दो है, कहीं ना कहीं सूरज हजार है, कहीं ना कहीं सूरज दस हजार है, ठीक है। आप सोच रहे हो ब्रह्मांड में चांद एक नहीं, चांद अनेक है, तो ब्रह्मांड में चांद अनेक है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा स्ट्रिंग थ्योरी कह रही है। समझाता हूं, ठीक है, आप ध्यान से बात को समझना। चलिए, तो मुझे एक बेसिक बात पता चली यहां पे, आयाम क्या होता है, मैंने कहा यहां पे ध्यान रखना, ठीक है, ब्रह्मांड की जो घटना है उनका मेजरमेंट करने के लिए मैं यहां पे आयामों का यूज करता हूं। अब क्या होता है, किस तरह से, जरा सा मैं इन आयामों का यूज करता हूं, इन डायमेंशन का यूज करता हूं, जरा आपको समझा, ध्यान रखना। जब डायमेंशन की बात आती है, तो स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार वर्तमान में जो वैज्ञानिक है, वर्तमान में वैज्ञानिकों ने अभी तक 11 डायमेंशंस की कल्पना की है। कितने डायमेंशन थे यहां पे, 11, 11 आयामों की कल्पना वैज्ञानिकों ने की है। क्या होती है 11, ये जो 11D है ये क्या होता है, जरा मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, ध्यान रखना, बिना इसकी कल्पना करे हुए आप ज्योग्राफी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहे क्या? अगर आप इसकी कल्पना कर पा रहे हैं, देन आपके लिए ज्योग्राफी फिर मजाक बन जाएगा एग्जाम में। मैं आपको बता दूं, हमें बहुत टफ लगता है पेपर कुछ नहीं है, पेपर में आने वाली ज्योग्राफी कुछ नहीं है, ठीक है, वो तो बस हमें बहुत थोड़ा सा मेहनत में ही वो हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ज्योग्राफी जो सीखना है, जहां मैंने बात करी है, ठीक है, उसके लिए मुझे यहां पे अपनी कल्पनाओं को बहुत स्ट्रांग और मजबूत बनाना होगा, ठीक है, वही मैं आपको यहां पे समझाने का प्रयास करूं, ध्यान रखना। तो साइंटिस्टों ने अभी तक 11D की कल्पना करी है, 11D की, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बात शुरू होती है 0 डायमेंशन से, 11D है तो कितने डी होंगे, इसका मतलब बात शुरू कहां से, 0 डायमेंशन से, ध्यान रखना। ये है यहां पे नंबर एक पे मैंने लिखा है 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन से में क्या है, 0 डायमेंशन हम किसे बोलेंगे, देखो जहां पे कोई दिशा ही नहीं है, डायमेंशन मतलब क्या, कोई दिशा, कोई आयाम, जहां पे कोई आयाम नहीं है, कोई दिशा ही नहीं है, ठीक है, सारी चीजें एक बिंदु पे टिकी हुई है, सारी चीजें एक बिंदु पे टिकी हुई हैं, ध्यान रखना। ये क्या है, ये एक कल्पना है, समझ आ रहा है ना, ये कोई वास्तविकता नहीं है, एक कल्पना है। सोचो, सोचना है क्या कि यहां पे क्या, यहां पे एक क्या, पे कहीं कोई डायमेंशन नहीं है, 0 डायमेंशन पे है, ठीक है, यानी सारी चीजें एक बिंदु पे टिकी हुई है, ठीक है, यह एक काल्पनिक बिंदु है, यह एक काल्पनिक बिंदु है जिसमें जीव का कोई आकार नहीं है,
जिसमें जीव का कोई आकार नहीं है। मैंने आपको यह बोला, ध्यान रखना ठीक है, जब जीव का कोई आकार नहीं है इसका मतलब कोई शरीर नहीं है, जीवन का, जीव का कोई शरीर नहीं है, कोई शरीर नहीं है। और जो जीव है ठीक है, जो शरीर, कोई शरीर ही नहीं है तो भैया ये जीव कहीं भी मूव भी नहीं कर सकता, मतलब ना जीव आगे जा सकता है, ना जीव पीछे जा सकता है, ना ही जीव मूव कर सकता है, जीव है ही नहीं। क्या ऐसा है क्या वर्तमान में? वर्तमान में ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? ये एक कल्पना है। जीरो डायमेंशन केवल एक कल्पना पे आधारित। अब ध्यान रखना, जीरो डायमेंशन के बाद अगली आती क्या पे? फर्स्ट डी, यानी कि पहला आयाम, यानी कि फर्स्ट डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन में क्या है ध्यान रखना ठीक है, एक बिंदु ये है, एक पॉइंट, एक पॉइंट ये है। अगर कोई जीव, अगर कोई व्यक्ति एक जगह से आगे जा सकता है, यानी कि इधर को आगे जा सकता है, यहां से इधर आगे जा सकता है और यहां से भी पीछे आ सकता है, यानी कि व्यक्ति गति यहां से आगे और इस बिंदु से पीछे है, यानी गति जो है यहां पे अगर गति केवल एक डायमेंशन में है, यानी कि एक रेखा में यहां से इधर और यहां से इधर को गति है, इसे बोलेंगे पहला डायमेंशन। क्लियर हो गया? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पहला डायमेंशन। अब ध्यान रखना, क्या कुछ ऐसी चीज है संसार में जो केवल एक डायमेंशन में चलती हो? क्या कोई ऐसी चीज है क्या जो केवल एक डायमेंशन में? छोटू रहा, ध्यान दो, देखो मैं यहां पर इस तरह से अगर मैं चल रहा हूं ठीक है, और देन मैं फिर इस तरह से पीछे आ गया, ठीक हो गया। मैं पहले क्या करते एक डायमेंशन में यू चला ठीक है, और मैं फिर इसी डायमेंशन में मैं पीछे को आ गया ठीक है। तो ये जो मेरी आगे पीछे गति है इसे बोलते हैं क्या? फर्स्ट डी। क्लियर हो गया? इसी क्या बोलते हैं? पहला डायमेंशन इसे कहा जाता है। अब ध्यान रखना, अब जरा ध्यान सुना पे, देखो क्या ऐसी कोई चीज है क्या? ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन कल्पना करो ऐसी एक चीज हो सकती है। सपोज दैट एक मेरे हाथ में एक डोरी है जिससे मैंने एक पत्थर बांध रखा है। क्या बांध रखा है? एक पत्थर मैंने बांध रखा है, ठीक हो गया, जिससे हम बचपन में कभी तुमने लोलक के रूप में पढ़ा होगा, सरल लोलक के रूप में ठीक है, पेंडुलम कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा ठीक है। मैंने उसे एक डोरी से बांधा और एक डोरी से पेंडुलम लटक रहा है, मैंने उसको यहां तक ले गया और यहां से आगे मैंने छोड़ दिया, तो इसकी जो गति होगी वो आगे पीछे आगे पीछे, इस लोलक की जो गति होगी वो यही गति होगी, एक ही रेखा में आगे पीछे। ऐसी गति को जब एक ही रेखा में आगे पीछे व्यक्ति जा सकता है, कोई वस्तु जा सकती है, इसे बोलते हैं फर्स्ट डायमेंशन, एक रेखी गति ठीक है, इसे सरल रेखी गति भी कहा जाता है, समझना ठीक है। एक डी ठीक, इसे बोलते हैं वन डी। अब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे आगे पीछे जा सकता है, मतलब ऐसे आगे पीछे, ये आगे और ये पीछे ठीक है, लेकिन आगे पीछे जाने के साथ साथ में व्यक्ति ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, या फिर दाएं भी जा सकता है और बाएं भी जा सकता है। समझ में आ रहा है ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? तो इस गति को ठीक है, इस जो सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या? 2D, यानी कि सेकंड डायमेंशन। इसे क्या बोलते हैं आप में? 2D, यानी कि सेकंड डायमेंशन। आप ध्यान रखना, मतलब कैसा? मतलब ऐसा, मैं यहां से चला, मैं यूं चला ठीक है, आगे जा सकता हूं, मैं पीछे आ सकता हूं ठीक है, ये फर्स्ट डायमेंशन में। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसमें इधर को भी आ सकता हूं, आगे को, मतलब इधर कौन सा है मेरा? राइट हैंड साइड में ठीक है, और मैं लेफ्ट में भी जा सकता हूं इधर को ठीक है। तो मेरी जो गति है, इंसान की गति जो है वो कैसी है? आगे ठीक है, पीछे और कहां? दाएं और कहां? बाएं। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? ये जो गति है इसे बोलते हैं 2D, यानी कि सेकेंड डायमेंशन। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन एक बात समझो, क्या मैं यहां से ऊपर को हवा में जा सकता हूं? क्या मैं ऊपर को हवा में जा सकता हूं? क्या मैं? तो नहीं जा सकता। कौन जा सकता है भैया? एक आदमी। कौन? शक्तिमान। समझ आ रहा है क्या? शक्तिमान ऊपर को जा सकता है ठीक है। और भैया मैं तो आगे जा सकता हूं, पीछे जा सकता हूं, दाएं जा सकता हूं, बाएं, लेकिन हवा में ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर कौन जा सकता है? ऊपर जा सकता है शक्तिमान। समझ आ रहा है क्या? तब जब गति,
जब कोई व्यक्ति आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है और बाहर को यानी कि ऊपर को जा सकता है, ठीक है, ऊपर को जा सकता है, इसे बोलते हैं 3D। इसे क्या बोलते हैं? इसे 3D कहा जाता है। अब ध्यान समझना, इसका मतलब मनुष्य एक कैसा प्राणी है, ध्यान देना, मनुष्य कैसा है? हम अभी जो जी रहे हैं वो हम किस में जी रहे हैं? क्या हम 2D में जी रहे हैं या हम 3D में जी रहे हैं? जरा बताओ मुझे, क्या हम 2D में जी रहे हैं या 3D में? ध्यान रखना, एक व्यक्ति के तौर पे, एक इंसान के तौर पे तो हम 2D में चल रहे हैं क्योंकि हम ऊपर उड़ नहीं सकते, लेकिन हमारी जो रिसर्च है, जो विज्ञान है, इन्होंने क्या कर दिया, एक जहाज नाम की चीज बना दी है। क्या कर दिया? एक जहाज नाम की चीज, जिसमें बैठ करके मैं ऊपर जा सकता हूं। ठीक है, कौन जा रहा है? मैं ही तो जा रहा हूं, मेरी ही तो गति है। ओ भैया मैं इधर गया, मैं इधर गया, अब मेरे पास खाले पैदल चलने की बात थोड़ी ना हो रही है। ठीक है, मैं तो कैसे भी जा सकता हूं भैया, मैं बाइक में बैठा और मैं बाइक में आगे चला गया, बाइक में राइट चला गया, बाइक में लेफ्ट चला गया, मेरी गति तो है। तो भैया बाइक में ना बैठ करके मैं जहाज में बैठ गया, तो बाइक में बैठ करके मैं आगे पीछे दाएं बाएं जा सकता हूं, लेकिन जहाज में बैठ के मैं ऊपर को भी जा सकता हूं। इसका मतलब हम अभी जो जी रहे हैं वो किस डायमेंशन में? हम विज्ञान की बदौलत, अपनी खोजों की बदौलत हम अभी 3D में जी रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? आप मेरी बात सुन लो, मैं यहां पे तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं, या मैं तुम्हें यहां पे जो पढ़ा रहा हूं, वो मैं तुम्हें किस में पढ़ा रहा हूं? मैं तुम्हें 3D में पढ़ा रहा हूं या 2D में पढ़ा रहा हूं? ध्यान रखना, आप समझो, अगर मैंने मेरे क्या है, ये मेरी आगे गति, ये मेरी पीछे गति, ये मेरी ऊपर गति, नीचे गति, मैंने इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इधर, ठीक है, मैंने इधर बढ़ा दिया और मैंने इधर बढ़ा दिया, ऐसे समझ आ रहा है क्या? ठीक है, मैंने इधर बढ़ा दिया, बढ़ा, तो ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। जरा मेरा ये बोर्ड बताओ कैसा है, मेरा बोर्ड कैसा है? ऐसा ही है कि नहीं है? यहां से ये, यही तो मेरा बोर्ड है भैया, 6x4 का ही तो मेरा बोर्ड है। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं वो 2D में पढ़ा रहा हूं, जबकि हम जो जी रहे हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो किस में है? 3D में है। वो किस में आप है? वो 3D में है। समझ में आ रही कि नहीं? अरे बताए, अब मेरी बात सुन लो, मैं यहां पे बनाऊंगा एक पृथ्वी, मैं कहूंगा तुमसे कि भैया देखो ये है पृथ्वी, मैंने अपने बोर्ड में बनाया, मैंने कहा ये पृथ्वी है, क्या ये वास्तव में पृथ्वी है? मैंने कहा देखो ये पृथ्वी है, क्या वास्तव में पृथ्वी है? ओ भैया ये तो एक सर्कल है। तो ये क्या है? एक सर्कल है। जबकि पृथ्वी कैसे होती है यहां पे? पृथ्वी तो होती है भैया गोल, ठीक है, अब मेरे हाथ में तुम्हें दिख रही होगी पृथ्वी, ठीक है, मैं पृथ्वी कैसे होती है? पृथ्वी तो ऐसी होती है, ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर क्या बनाया है? सर्कल बनाया। क्यों? ठीक है, क्योंकि मैं यहां पे इस तरह से तो बना सकता हूं, लेकिन बाहर को हवा में नहीं बना सकता, ठीक है, और भैया बाहर को हवा में थोड़ी बना सकता हूं मैं, ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने जो इसका फ्रंट व्यू बनाया, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया था, अगर मैं यहां पे इसको ऐसा रख दूं तो मुझे इसका अगर फ्रंट से अगर देखूंगा तो मुझे उसका यही वाला हिस्सा दिखेगा आगे वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रंट व्यू। मैंने इसे क्या यहां पर फ्रंट व्यू बनाया, मुझे पीछे को पृथ्वी नहीं दिख रही है, आपका भी पीछे को पृथ्वी दिख रही है क्या? करते नहीं, आपका भी फ्रंट व्यू दिख रहा है, ठीक है, तो फ्रंट व्यू का मैंने जो चित्र बनाया है इसे बोलते हैं 2D। क्लियर हो गया? जबकि हमारी पृथ्वी कैसी है? 3D में, हम लोग 3D में जी रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको बोर्ड में पढ़ाऊंगा, मैं कैसे बोलाऊंगा 2D में, इसका मतलब यह है मैं पढ़ाऊंगा 2D में, आपको सारी कल्पनाएं किसमें करनी है? आपको सारी कल्पनाएं करनी है 3D में। क्लियर हो गया? ठीक है, 3D में गति कैसे करना पे? मैंने कहा आप क्या आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है और बाहर को यानी शक्तिमान की तरह ऊपर को भी हम जा सकते हैं जहां पर बैठ करके, तो ये गति है 3D में। अब ध्यान रखना, ठीक है, हम अभी यहां की 2D में कौन है? देखो जान, जितने भी जानवर है वो सारे 2D में गति करते हैं, जानवर जहाज बैठे ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है 2D में। अब तुम कहोगे सर मैं एक बकरी के बच्चों को जहाज ले जाऊंगा, ले जाओगे तो भैया 3D में पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो जहाज जो जानवर होते हैं वो सभी 2D में जी रहे हैं, हम उनसे 1D आगे जी रहे हैं, तभी तो इंसान है, तभी तो हमारी बुद्धि ऊपर है। हमारा जानवर भी जिस दिन अपनी खोज करने लग जाएंगे, ध्यान रखना, कल्पना करो, जहाज, बंदर ने जहाज बना दिया, सपोज करो बंदर ने जहाज बना दिया और बंदर जहाज में बैठ के उड़ रहा है, तो उस दिन बंदर कहां पहुंच जाएगा? 3D में, लेकिन बंदर भी कहां है?
2D में, समझा रहा क्या? गाय भैंस बकरी सबका है भी 2D में। सोचो कि गाय में क्या करते हैं, जहाज बनाते हैं, गाय उड़ रही है तो भैया किसमें लगे वो 3D के अंदर, समझा रहा क्या? जानवर अभी 2D में, इंसान किसमें 3D में, समझना। अब 3D के बाद आता है ध्यान, आइंस्टीन ने ये जो 3D कल्पना है इसमें जोड़ा टाइम, आइंस्टीन ने इसमें जोड़ा समय, जरा समझा दो आपको कैसे, ठीक है? समय तो यहां पे लग रहा है, यहां कौन सा समय जान रहा है, ठीक है? इसे आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी, जब 3D में आइंस्टीन ने टाइम जोड़ा एक थ्योरी दी जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है? क्या बोलते साहब पे, इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या है भैया, जरा समझा दो, एक लाइन बता दो आपको क्या, अगर हम एक बिंदु यानी कि भूतकाल, ध्यान समझना, ठीक है? अगर हम अपने भूतकाल से, ठीक है, अगर जहां मैं अभी कहां जी रहा हूं भैया, मैं अभी जी रहा हूं 2020 में, ठीक है? अगर लेकिन कल्पना करो, सोचो अगर मैं भूतकाल से मैं कहां जा पाऊं, भविष्य काल में जाऊं, ठीक है? सोचो मैं अभी यहां पर खड़ा हूं 2020 में और मैं पहुंच सकूं समय से पहले कहां, 2030 में, ठीक है? तो क्या होगा, ध्यान रखना, वो देखो मैं ऐसे तो जा नहीं सकता, ठीक है, मैं 2030 में ऐसे तो जा नहीं सकता, ठीक है? उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा एक भविष्य में जाने वाला यंत्र चाहिए होगा। अगर आपने मूवी कृष देखी हो तो ये कुछ डॉक्टर आर्यन की छोरी जैसा कुछ है, ठीक है? मतलब 2030 में हम जा सकते हैं, 2040 में हम अगर जा सकते हैं तो ऐसे तो चल भी जा सकते ना भैया, चल के तो मैं 2040 में जा सकता ना, ठीक है? तो उसके लिए मुझे यंत्र की जरूरत पड़ेगी, एक विज्ञान की जरूरत पड़ेगी जहां मैं जा पाऊं अपने भविष्य में। तो जो मैं 2030 में जा रहा हूं वो एक अलग डायमेंशन होगी, समझ रहे क्या? मतलब 2030 में, 2020 से 2030 में जाने का वो जो रास्ता होगा, वो जो रास्ता होगा एक अलग ही रास्ता होगा, काल्पनिक रास्ता है, ध्यान रखना, वो एक रास्ता कुछ होगा, एक रास्ता, ठीक है? एक विज्ञान होगा, एक खोज होगी जब हम 30 में जा पाएंगे, 20 में खड़े लेकिन 30 में जा पाएंगे, ठीक है? तो वो जो रास्ता होगा वो रास्ता है चतुर्थ आयाम का, उसे बोलेंगे हम 4D, समझ में आ रहा है क्या? बहुत सुंदर। अब क्या होता है, ठीक है? तो जब समय के साथ हम भूतकाल से भविष्य काल में आगे जा सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे 4D बोलते हैं। ध्यान रखना, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हमारी स्पीड, किसी भी चीज की स्पीड हो, किसी भी चीज के काम करने की, बुद्धि बल की, ठीक है, अपनी खोज की, अपने विज्ञान की, वो स्पीड हमें करनी पड़ेगी सूर्य की स्पीड के बराबर। जब हम अपनी गति को सूर्य की गति के बराबर हम कर सकेंगे तब हम पहुंच पाएंगे यहां पे, यानी कि तब हम पहुंच पाएंगे किस नाम पे, 4D में, ठीक है? अभी हम कहां है, 3D, समझ लो। अब 4D में क्या हुआ, हम भूतकाल से भविष्य काल में चले गए। अब इससे अगला ये चौथा आयाम है, 4D है, 5D में क्या होता है, सोचो पांचवा आयाम क्या, समझाता हूं। देखो कल्पना करो कि ब्रह्मांड एक नहीं है बल्कि दो, समझना, फिफ्थ क्या है, ठीक है, एक दुनिया ये है, एक दुनिया ये है, समझना, एक दुनिया ये है, एक दुनिया है, यानी दो दुनिया है, दो ब्रह्मांड है, ठीक है? आप समझना, इंसान एक ही है, मतलब मैं ही हूं, आप ही हो, इंसान एक ही है, लेकिन एक दुनिया में, यानी कि एक पृथ्वी लोक पे, एक दुनिया में वो है इंजीनियर, एक दुनिया में वो एक इंजीनियर है, ठीक है? मतलब अभी मैं यहां पर जो मैं जी रहा हूं इस दुनिया में, मैं इंजीनियर, ठीक है? और एक दुनिया है दूसरी, दूसरी दुनिया है, और दूसरी दुनिया में भी मैं ही हूं, दूसरी दुनिया में भी मैं ही हूं, लेकिन वहां पर मैं एक डॉक्टर हूं, वहां पर मैं क्या हूं, एक डॉक्टर हूं, समझना, ज्योग्राफी भैया, इसी को ज्योग्राफी कहते हैं, यही कल्पना ज्योग्राफी का आधार है, समझा रहा हूं, ठीक है? एक दुनिया में तुम एक इंजीनियर हो और दूसरी दुनिया में तुम एक डॉक्टर हो, समझ आ रहा है क्या? आप ध्यान समझना, ठीक है, यानी कि ये जो है ये दोनों आप ही हो, यानी कि एक तो एक तुम्हारा क्लोन है, इस तरह कुछ होगी, ठीक है? एक क्लोन है, एक तुम है। अब इस दुनिया में, इस 5D में अगर तुम बन गए इंजीनियर, तुम मर गए एक दुनिया में, तुम इंजीनियर एक डॉक्टर। अब ध्यान रखो, जब तुम इंजीनियर बने तब तुम्हें लगा नहीं है मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर बनना है।
तुम क्या कर सको समय में, ध्यान से बताना, समय में अगर तुम पीछे जा सको, क्या मैं अभी पीछे जा सकता हूं? ठीक है, क्या मैं अभी पीछे जा सकता हूं किसी भी हालत में? अभी तुम 2020 में जी रहे हो, क्या तुम 2019 के समय को ला सकते हो? नहीं ला सकते। हम अभी 2019 के समय को नहीं ला सकते। समय में हम पीछे नहीं जा सकते। हमेशा हम बोलते हैं कि समय के साथ चलना चाहिए या फिर समय के आगे चलना चाहिए। समय से समय में पीछे हम नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम क्या कर सके, अगर एक ऐसा आ जाए, ध्यान रखना, कुछ ऐसा हो कि हम समय में पीछे जा सके, अभी हम समय में आगे जा रहे हैं, समय में पीछे जा सके, तो वो एक अलग रास्ता होगा, वो एक अलग रास्ता होगा जिसे हम बोलेंगे 5B। ठीक है, अगर आपने मूवी देखी हो, एक मूवी है साउथ की, आई थिंक उसका मूवी का नाम ही है टाइम, आई थिंक टाइम ही उस मूवी का नाम है। एक मूवी है जिसमें उसके पास एक घड़ी होती है, उस हीरो के पास एक घड़ी होती है, और वो हीरो क्या करता है, घड़ी से टाइम को रोक देता है और टाइम में पीछे चले जाता है। आपने देखी क्या? अगर देखी ना, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मूवी का नाम तो मुझे याद आ नहीं रहा, मूवी का नाम टाइम ही है सर, टाइम ही है। ठीक है, एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, टाइम मूवी का नाम है। तो उसमें टाइम को क्या करता है, समय में पीछे चले जाता है। अब ध्यान रखना, तो समय एक जगह पे क्या बनते हैं, एक दुनिया में इंजीनियर, दूसरी दुनिया डॉक्टर। ठीक है, अब इसे लगाया भी नहीं, इंजीनियर भी डॉक्टर से दोनों पसंद नहीं आए, इसे लगे से वकील बनना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये समय में पीछे जा सकता है। समय में अगर पीछे जाए, उस पॉइंट में चले जाए जहां पे कुछ टाइम पहले ये डिसाइड कर रहा था कि ये इंजीनियर बनेगा कि ये डॉक्टर बनेगा। क्या तब ये एक दुनिया में तो इंजीनियर बन गया, दूसरी दुनिया में डॉक्टर बन गया। ठीक है, अब ये क्या पीछे जा सकता है? अगर ये पीछे जाएगा तो कहां चला जाएगा, जहां ये डिसाइड कर रहा था कि इसे क्या बनना है, इस पॉइंट में ये चला गया। अब यानी कि समय में पीछे चला गया। ठीक है, समय पीछे चला गया। अब यहां पर डिसाइड कर सकता है, इंजीनियर इसे पसंद नहीं है, डॉक्टर से पसंद नहीं है, ये तीसरा रास्ता भी निकाल सकता है, अब यहां से ये वकील बन सकता है। ठीक है, इसका मतलब कुछ इस तरह से, क्या आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आप वर्तमान में आप एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन आप बन गए पुलिस में भर्ती हो गए, आप कहां चले गए, आप पुलिस में भर्ती हो गए। ठीक है, आपकी उम्र हो गई है अभी 50 साल, आपकी उम्र कितनी हो गई है, आपकी उम्र 50 साल हो गई है, तो क्या आप 25 साल जा करके दोबारा ये डिसाइड कर सकते हो, दोबारा ये तैयारी कर सकते हो कि तुम्हें आईएएस बनना है, ऐसा कर सकते हो क्या? ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमारी एज 52 साल है और अभी हम पुलिस के भर्ती में सिपाही है, तो हम 20 साल में आकर के आईएएस की तैयारी नहीं कर सकते। अगर हम 50 साल की उम्र में है हम, और हम पीछे आकर के 22 साल 25 साल की उम्र में आ सके और दोबारा से मैं रणनीति बना सकूं, दोबारा से मैं क्या कर सकता हूं, अपनी तैयारी को आईएएस की दिशा में ले जा सकूं, तो ये एक अलग डायमेंशन होगा। ठीक है, ये अलग डायमेंशन होगा। कारण बढ़िए, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा हम कर सके, ये अलग डायमेंशन होगा जिसे हम बोलेंगे 5D। क्या जिसे हम क्या बोलेंगे, 5D जिसे बोला जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब सोचो, ये 5D हो गया, अब इससे थोड़ा और आगे सोचो। एक दुनिया ये है, दुनिया नंबर एक, एक ब्रह्मांड ये है, दूसरा ब्रह्मांड ये। अब एक ब्रह्मांड में आप इंजीनियर थे, एक दुनिया में आप इंजीनियर थे पहले, ठीक है, और दूसरी दुनिया में आप एक डॉक्टर थे, समझो दूसरी दुनिया में आप एक डॉक्टर थे। अब क्या करना है, अगर क्या करना हो, इस देखो दोनों आप ही हो, अगर ये जो इंजीनियर है ये आप ही हो, दूसरे डॉक्टर भी आप ही हो, अगर ये दो आपस में मिल सके, सोचो मैं खुद से ही मिल रहा हूं, सन्मा रहे क्या, अगर मैं खुद से ही मिल पा रहा हूं, ठीक है, एक दुनिया में मैं ही इंजीनियर हूं, एक दुनिया में मैं ही डॉक्टर हूं, और अगर मैं कोई ऐसा रास्ता हो, अगर मैं मिल पा रहा हूं, तब
उस डायमेंशन को बोलेंगे क्या, 6D। आप मेरी बात सुनो, इसका मतलब देखो इंजीनियर और डॉक्टर दोनों कौन है, मैं ही हूं, यानी कि मैं कौन है वो ये, वो 5D वाला ये था ना, ठीक है, इसी ने तो डिसाइड किया, ठीक है, इसी ने यहां पहले डिसाइड किया था, इसने किया कि भैया ये इंजीनियर बनेगा, जो ये बन गया, फिर डॉक्टर, फिर इधर पसंद गया, ये पीछे आया समय में और ये वकील बन गया, ठीक है। अब ये क्या चाह रहा है कि ये दुनिया में इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन ही गया था, ठीक है, अब ये चाह रहा है पीछे चले जाए, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल जाए, यानी एक ही आदमी मिल जाए तो इसे कहां जाना पड़ेगा, यही जाना पड़ेगा, जहां से डिसाइड कर रहा यही पे तो एक था, यहां पर ये दो हो गए हैं, लेकिन 5D में ये बंदा इस पॉइंट में एक था, देखो यहां पे दो था ये, लेकिन जब पीछे आया तो सिर्फ एक, पीछे आया तो एक था, तब अब इस बंदे को अगर इन दोनों का आपस में मिलना है तो इन्हें कहां जाना पड़ेगा, इस पॉइंट में जाना पड़ेगा, इसके दो रास्ते हैं, इस पॉइंट में जाने के दो रास्ते, 6D से 5D में जाने के दो रास्ते, एक रास्ता यहां से यह आदमी चल रहा और समय में पीछे गया, और समय पीछे इस तरह से जा करके ये आदमी चला गया, एक रास्ता ये, ठीक है, यह है रास्ता नंबर एक, और ये एक लंबा रास्ता है, ये एक बहुत लंबा रास्ता है, यहां पे इंसान की आयु जो है वो बहुत लंबी होनी पड़ेगी तब ऐसा हो पाए, ठीक है। लेकिन एक दूसरा रास्ता है, यहां से ये बंदा सीधे आगे पीछे चले जाए, समय में पीछे चला जाए और इस बिंदु पहुंच जाए, यानी कि जब क्या कर दिया इसने, समय में ये पीछे चला गया है, ठीक है, और ये बंदा जो है इसका एक इंजीनियर एक डॉक्टर दोनों एक ही, ये दोनों अब यहां पे खड़े हो गए हैं, समझ में आ रहा है क्या, 5D में कहता दोनों एक ही था, अब ये दोनों एक इंजीनियर है एक डॉक्टर है और दोनों इस पॉइंट पे, यानी यहां से समय पीछे ले गए और यहां ये दोनों मिल गए हैं, तो ये जो दोनों मिलने का रास्ता है, जिस रास्ते से ये गया है, ठीक है, इंजीनियर भी और डॉक्टर भी जिस रास्ते से यहां पहुंचे हैं, ये एक अलग आयाम होगा, ये एक अलग डायमेंशन होगी, जिसे मैं बोलना क्या 6D, समझा रहा क्या 6D, जिसे मैं बोलूंगा, याद रखना, थोड़ा और समझा दो आगे आपको, ठीक है, 7D, 8D, 9D, 10D, बात करता हूं थोड़ा सा आगे बढ़ करके। चलिए तो 6D के बाद अब जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पहुंच गया भैया मैं 7D पे, पे 7D, ध्यान रखना सातवां आयाम, सातवां डायमेंशन कैसा होगा, जरा कल्पना करके देखना, ठीक है, क्या हुआ, ध्यान रखना, सातवें आयाम में सोचो सारी चीजें एक जगह पे आ गई, यानी कि सारे जो आयाम हैं, ठीक है, सारे यानी कितने आयाम है, 6 आयाम, अभी मैंने, ठीक है, 6D में कितने आयाम थे, 6 आयाम थे, तो 6 आयाम एक ही के अंदर आ गए, यानी कि 6 आयाम में क्या था, 6 आयाम में थी दो दुनिया, यानी कि 7D में एक ऐसी कल्पना जब एक ही बिंदु के अंदर एक ही दुनिया के अंदर आ जाए दो दुनिया, ठीक है, यानी कि एक के अंदर, ठीक है, एक बिंदु के अंदर आ जाए 6 डायमेंशन, यानी कि दो दुनिया काम करें, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, इसे ऐसा अगर हो पाए, अगर ऐसा हो पाए तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे 7D, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि समय जो है भविष्य में अनंत है, समय जो टाइम जो है वो अनंत है, और ब्रह्मांड की लंबाई और चौड़ाई जो है वो भी अनंत है, तो कल्पना सातवीं कल्पना 7D की कल्पना क्या हो सकती है, जब एक के अंदर हो 6 आयाम, ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था, मैं 6D में मैंने क्या बोला कि एक दुनिया और दूसरी दुनिया, ठीक है, मैंने ये बात कर रहा, अब बोलो कि एक ही के अंदर दो दुनिया, यानी कि एक ही के अंदर कितने आयाम, 6 आयाम अगर हो पाए तो ये कल्पना होगी हमारी 7D की कल्पना, ठीक है, आपको समझ में ये आ रहा होगा, अब ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि 7D कल्पना, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, 8D कल्पना क्या होगी, 8D की कल्पना क्या हो सकती है, ध्यान रखना, देखो सुनो, 8D में क्या हो सकता है, ठीक है, एक ही के अंदर, अब बात एक ही के अंदर हो रही है, एक ही के अंदर, ठीक है, एक ही है, एक के अंदर 6 डायमेंशन, आ समझना, एक के अंदर आ जाए मेरे कितने, ठीक है, एक के अंदर मैं आगे, यानी कि एक यूनिवर्स ये हो गया, यानी कि पूरा जो है वो एक के अंदर है, एक यूनिवर्स, दो यूनिवर्स, तीन यूनिवर्स, 4 यूनिवर्स,
ठीक है, यानी कि अब मैं क्या कर सकूं, आदमी एक ही है और एक के अंदर है, और वो आदमी एक ब्रह्मांड से, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आगे पीछे जा सकता है, और ये आदमी, ठीक है, ये आदमी दूसरी दुनिया में ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ऐसी कल्पना क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, यानी कि एक ही आदमी क्या कर सकता है, एक दुनिया में आगे पीछे ऊपर नीचे अगर जा सकता है, ठीक है, तो ये कल्पना जो होगी ये होगी 8D की कल्पना। ठीक है, अब ऐसा कहां था, ऐसा कहां था, ऐसा था 2D में, नहीं था ऐसा ही था जब आदमी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में आगे पीछे जा रहा था, ऊपर और नीचे जा रहा था। ठीक है, लेकिन वो एक ही ब्रह्मांड के अंदर आगे पीछे ऊपर नीचे जा रहा था जैसे ये पृथ्वी, लेकिन इसमें 8D में क्या होगा, एक ही आदमी एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में सीधे जा सकता है, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में ऊपर, तीसरे ब्रह्मांड में नीचे जा सकता है, यानी कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में आगे पीछे ऊपर नीचे अगर आदमी जा सकता है तो यह कल्पना होगी 8D की कल्पना। यानी कि 8D की कल्पना कैसी है, जैसी है 2D की कल्पना, लेकिन 2D की कल्पना आज की 8D में, यानी कि इतने ब्रह्मांड हो जाएंगे और एक आदमी अलग अलग ब्रह्मांडों में जा सकेगा, ऐसा कुछ समझा रहा है क्या? ठीक है, कहां बात पहुंच गई है सोचो, अभी हम एक ब्रह्मांड को भी समझ नहीं पाए हैं और मैं बात कर रहा हूं जब इतने ब्रह्मांड हो और मैं चले जाऊं दूसरे ब्रह्मांड में, वहां से वापस आ जाऊं, फिर मैं इधर चले जाऊं इस ब्रह्मांड में, वहां से वापस आके इस ब्रह्मांड में चले जाऊं, यह है 8D की कल्पना। ठीक है, एक ही आदमी इतने ब्रह्मांडों में जा सकता है। ठीक, अब समझना, 8D के बाद मैं पहुंच गया 9D में। 9D में क्या है, 9D की कल्पना आधारित है जैसी है 3D। 3D में क्या था, 3D में एक दिशा में मैं ऐसे जा सकता हूं, मैं ऊपर नीचे जा सकता हूं और मैं बाहर को भी आ सकता था, याद है क्या मैंने बताया था, ऐसे मैं जा सकता हूं, ऐसे ऊपर नीचे, और मैं उड़ भी सकता हूं शक्तिमान की तरह। तो ये थी क्या 3D कल्पना, जब इंसान एक ही व्यक्ति एक ब्रह्मांड में आगे पीछे जा सकेगा, दूसरे ब्रह्मांड में भी ऊपर नीचे जा सकेगा और तीसरे ब्रह्मांड में उड़ करके जा सकेगा, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसका मतलब वो कल्पना होगी 9D कल्पना। कैसी मैंने बोला पे, यानी कि 9D कल्पना में आदमी एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे ब्रह्मांड में इधर, लेकिन बाहर को भी आ सकेगा। ठीक है, यहां पे खाली गति हो रही है और यहां पे क्या करेगा, बाहर को भी आ सकेगा, ये कल्पना होगी 9D कल्पना। ध्यान रखना, जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये कल्पना अगर आप कर पा रहे हो तो आप ज्योग्राफी को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप इसको कल्पना नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप सोच रहे हो सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं, छोड़ो नहीं देखता, बंद करो इसे, ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं दैट मीन्स ये है कि आप कल्पना नहीं कर रहे हैं और ज्योग्राफी आप बेहतर नहीं समझ पाएंगे, या फिर आप ये मान के चल लेना कि भैया ज्योग्राफी में एज ए ऑप्शनल मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो है हम उस आधार पे हम क्या नहीं कर पा रहे, कल्पना नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये काल्पनिक सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने कहा एक ब्रह्मांड में आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकता और बाहर को भी आ सकता हूं एक ही ब्रह्मांड में। ठीक है, यानी कि तो इसे मैं क्या बोलूंगा, 9D कल्पना। ठीक है, अगला इससे आगे मैं बढ़ जाओ तो आ जाएगा कौन सा, 10D कल्पना। ठीक है, दसवां आयाम क्या होगा, दसवां आयाम है कैसा, जैसा था चौथा आयाम, यानी कि भूतकाल में एक ब्रह्मांड से आदमी एक ही है, वो आदमी यहां पे भी है और वही आदमी समय के साथ दूसरे ब्रह्मांड में भविष्य में चला गया, समझ आ रहा है क्या? ठीक है, यानी कि सोचो मैं इस ब्रह्मांड में यहां खड़ा हूं, ठीक है, और मैं क्या कर सकूं, यहां मैं 2020 में जी रहा हूं और दूसरे ब्रह्मांड में मैं आगे चला गया समय में और वहां मैं 2030 में जी रहा हूं। सोचो ऐसा हो सकता है क्या, एक ही आदमी मैं यहां 2020 में जी रहा हूं, हल्द्वानी के अंदर पला रहा हूं, मैं यहां पे यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं दूसरे ब्रह्मांड में एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूं,
ठीक है, दूसरे ब्रह्मांड में एज ए इंजीनियर मैं अगर काम कर रहा हूं और वो भी कहां 2030 में, 10 साल आगे मैं काम कर रहा हूं, तो ये परिकल्पना जो होगी वो होगी 10D कल्पना। यानी कि अगर मैं इस, ठीक है, अगर मैं इस ब्रह्मांड में 25 साल में काम कर रहा हूं और उस ब्रह्मांड में अगर मैं, यानी कब, 2030 में, यानी कि वहां उस ब्रह्मांड में मेरी एज कितनी होगी, 35 वर्ष अगर मेरी एज होगी, यानी कि एक साथ नहीं मैं दो आयु, यानी कि दो एज के साथ में काम कर पाऊंगा। अगर मैं एक साथ में दो एज में काम कर पाऊंगा, यानी कि यहां मैं 25 साल में काम कर रहा हूं और वहां अगर मैं 35 साल में अगर मैं काम कर रहा हूं, तो ये कल्पना होगी कौन सी, आप 10D कल्पना। ठीक है, यहां पे मैं 25 साल की उम्र में एज ए टीचर इस ब्रह्मांड में काम कर रहा हूं और दूसरी दुनिया में मैं वहां पे 35, ठीक है, एज ए, ठीक है, यहां पे एज ए टीचर मैं 25 साल में काम कर रहा हूं और दूसरी दुनिया में एज ए इंजीनियर मैं 35 साल की उम्र में भी काम कर रहा हूं, ये कल्पना है 10D कल्पना। समझ में आ रहा है क्या, कर पा रहे हो कल्पना? अगर कर पा रहे हो तो ध्यान रखना, ठीक है, आप ज्योग्राफी बहुत बढ़िया से समझने वाले हैं मेरे साथ में, ठीक है, क्योंकि आप तो कल्पना बड़ी अच्छी कर पा रहे हैं। अगर जो मैं बोल रहा हूं ऐसा आप अपने साथ में कर पा रहे हो, दैट मीन्स डेफिनेट आप अपने आप को समझ लेना कि आपको ज्योग्राफी बहुत बढ़िया समझने आने वाली है और आप बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, अपना ज्योग्राफी को ऑप्शनल रख सकते हो, अपना मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी को बना सकते हो। समझाता हूं, अब 10D के बाद अगली जो कल्पना मैंने कहा स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी ने 11D कल्पना करी है, 11 आयाम में बात करी, कितने आपने 11 आयाम, 11D 11वीं आयाम क्या है जरा समझाता हूं, सोचो। अब अभी तक क्या था, ठीक है, एक एक यूनिवर्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। आप सोचो एक यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, एक यूनिवर्स के अंदर है दो ब्रह्मांड, ठीक है, एक के अंदर दो, यानी कि एक ही के अंदर आप दो तरह से जी रहे हो, ठीक है, एक ही के अंदर आप इंजीनियर भी हो, यहां पे आप डॉक्टर भी हो, एक ही के अंदर, यानी कि 6 आयाम है ना, एक के अंदर कितने आयाम है, 6 आयाम, यानी कुछ इस तरह से एक के अंदर दो दुनिया है, ठीक है, इस दुनिया में आप इंजीनियर हो, इस दुनिया में आप डॉक्टर हो, ठीक है। तो अब सोचो, ये कॉन्सेप्ट था 7D, अब 11D में सोचो, एक ही आदमी मैं एक दुनिया में इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, ठीक है, दूसरी दुनिया के अंदर जो दो ब्रह्मांड है, यानी कि हर दुनिया में दो ब्रह्मांड, ठीक है, दूसरी इसमें मैं क्या हूं, यहां पर मैं एक वकील हूं और यहां पर मैं एक टीचर हूं, सुनना रहे क्या, ठीक है, तीसरे इस यूनिवर्स में इसमें भी दो गैप है, इसमें दो दुनिया है, दो दुनिया में सोचो यहां पर मैं एक ड्राइवर हूं और यहां पे भैया मैं क्या हूं, ठीक है, इसी में मैं काम कर रहा हूं एज ए साइंटिस्ट, ठीक है, एज ए साइंटिस्ट मैं यहां पर काम कर रहा हूं, किस दुनिया में, इस दुनिया में, ठीक है, और इस दुनिया में मैं काम कर रहा हूं भैया क्या, ठीक है, इस दुनिया में मेरे बहुत सारे काम है, यहां पे एक मैं यहां पे MTS का काम कर रहा हूं, ठीक है, एक भैया मैं यहां पे रेलवे में जॉब कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, MTS मल्टीटास्किंग में काम कर रहा हूं, बहुत सारे काम एक साथ कर रहा हूं और एक मैं यहां पे रेलवे में कर रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भैया ये समझ लो कि यहां पे मैं ग्रुप सी में जॉब कर रहा हूं और यहां मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूं। सोचो क्या आप ऐसा सोच सकते हो, एक ही आदमी 11D मगर जिएगा 11वीं आयाम में, तो क्या कर रहा होगा वो आदमी, सोचो वो आदमी क्या कर रहा होगा, एक दुनिया में वो इंजीनियर है, एक दुनिया में डॉक्टर है, एक दुनिया में वो दो तरह से जी रहा है, इंजीनियर डॉक्टर, ठीक है, यानी कि ये आदमी सोचो 25 साल की उम्र में ये इंजीनियर है, ठीक है, उसी दुनिया में 35 साल की उम्र में डॉक्टर है, ये आदमी दूसरी दुनिया में 40 साल में वकील है, ठीक है, और यही पे आदमी 50 साल में टीचर है, सोचो, ठीक है, यहीं पे तीसरी दुनिया में अलग, यहां पे दो आयु में अलग अलग जी रहा है, ठीक है, और यहां पे ग्रुप सी में माने ये 30 साल में, यहां पे 32 साल में ग्रुप सी में जी रहा है और भैया रेलवे में ये, ठीक है, 62 साल में ये रेलवे रिटायर होने वाला है, कुछ इस तरह की दुनिया। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है, ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो
ये दुनिया होगी कौन सी? ये दुनिया होगी 11D की परिकल्पना। ये दुनिया कौन सी होगी यहां पे? 11D की परिकल्पना ये होगी। अगर आपने मूवी देखी हो मैन इन, ठीक है, मैन इन बैक आपने देखी है, एक मूवी है मैन इन बैक, अगर आपने देखी हो उस मूवी में इसको यहां पे बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और भी बहुत सारी हॉलीवुड की मूवियां हैं, ठीक है, जिनमें इसको यहां पे दिखाया गया है, मैंने यहां पे बोला, ठीक है। एक मूवी है क्या, इंटरस्टेलर, ठीक है, इंटरस्टेलर एक मूवी है। अगर आपने मूवी इंटरस्टेलर देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी हो एक बार देख लेना, समझ में आएगी कल्पनाएं, ठीक है। इंटरस्टेलर मैंने बोला पे एक मूवी वो भी है, आप देख सकते हो। अब ध्यान रखना, सोचो, अब देखो, जब आप इतने काम एक साथ में कर रहे हो तो इसका मतलब, मेरी बात सुनो, एक साथ में आप, ठीक है, एक साथ में आप कितने पे, चार ब्रह्मांडों में जी रहे हो। चार ब्रह्मांडों में आप आगे पीछे जा सकते हो, यानी कि सोचो अभी हम कितने आयाम में जी रहे हैं, मनुष्य कितने आयाम में जी रहा है, 3 डायमेंशन में, मैंने आपको बोला था जानवर 2 में, मनुष्य 3 में। आप सोचो एक ब्रह्मांड के अंदर कितने आते हैं, 2 यूनिवर्स है, यानी कि 6D, और दूसरे में कितने, 6 6 6, यानी कि 6 4 24, यानी कि जब इंसान 11D में कितने 24 आयाम में जी रहा होगा, सोचो इंसान कितने 24 आयाम में जब जी रहा होगा उस परिकल्पना को बोलेंगे 11D। समझ में आ रहा है क्या, 11D। अब यहां पर देखो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यहां पर एक बात सोचो, इंजीनियर भी तुम्हें हो, डॉक्टर भी तुम्हें हो, टीचर भी, मतलब सोचो तुम खुद को ही पढ़ा रहे हो, एज ए टीचर तुम खुद को पढ़ा रहे हो, ठीक है। और भैया एक मेरी बात सुनो, 50 साल की उम्र में तुम एक टीचर हो, ठीक है, एक टीचर हो तुम, ठीक है, और 25 साल में तुम एक इंजीनियर हो, और तुम क्या कर रहे हो, 50 साल के जो इंजीनियर तुम्ही हो, तुम अपने आप को ही 25 साल में पढ़ा रहे हो, अपने आप को ही 25 साल में तुम पढ़ा रहे हो, सोचो कैसा हम कर पाएंगे, ठीक है। अगर तुम ऐसा कर पाओगे, अगर हम जिस दिन ऐसा कर पाएंगे, वो परिकल्पना होगी 11D की परिकल्पना, और यहां तक की परिकल्पना स्ट्रिंग थ्योरी हमें करके देती है। समझ में आ रहा है क्या, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। फिलहाल अगर आपने यहां तक, अब मेरी बात जरा एक बात और बता दो यहां पे, ठीक है, यहां तक की जो परिकल्पना है ये पूरा देखो सुनो, एक छोटा सा हमारा एक ब्रह्मांड है जिसके अंदर हमारे यहां पे कुछ सौर परिवार है, ठीक है, एक हमारे यहां पे कुछ ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, इसको नियंत्रित करना कितना टफ है, सोचो अब ये 24 आयाम में इतनी सारी दुनियाएं हैं, इसको नियंत्रित करने के लिए इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इतनी बड़ी दुनिया अगर ऐसा हो, एक आदमी इतनी तरह से काम कर रहा हो, तो इस पूरे को नियंत्रित करने के लिए, इस पूरे को कंट्रोल जो आत्मा कर पाएगी, एक आत्मा, जो आत्मा इस पूरे को कंट्रोल कर पाएगी वो होगी एक देवात्मा, ठीक है। इंसान के बस की बात तो नहीं है ये इंसान के बस की बात है क्या? ये इंसान के बस की बात नहीं है, ठीक है। जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर पाएगी वो होगी एक देवात्मा, और उसी देवात्मा को हम बोलेंगे ईश्वर। समझ रहे क्या? उसी देवात्मा को हम बोलेंगे ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, उसी देवात्मा को हम बोलेंगे यहां पे। समझ रहे क्या? ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, हम उसी को बोलेंगे जो इस 11D परिकल्पना को कंट्रोल कर सके। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सिंपल सी बात, ध्यान रखना, एक बात बताता हूं, ठीक है। आत्माएं 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है स्वात्मा, एक क्या होती है स्वात्मा। स्वात्मा जो होती है जो किसी ना किसी शरीर के अंदर रहती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है, इसे बोलेंगे स्वात्मा, ठीक है। दूसरी होती है प्रेत आत्मा, दूसरी कौन सी होती है? प्रेत आत्मा। प्रेत आत्मा वो होती है जिसके पास अपने खुद का शरीर नहीं होता है, ठीक है, अपने कर्मों की वजह से उसे कोई शरीर नहीं मिल पाया और प्रेत के रूप में भटक रही है, भूत बन के कह लो, ठीक है, प्रेत के रूप में भटक रही है, उसे बोलते हैं प्रेत आत्मा। तीसरी होती है देवात्मा, तीसरी कौन सी है? देवात्मा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और वही देवात्मा ना तो इसे स्वात्मा इसे कंट्रोल कर सकती है इस पूरी सृष्टि को, और ना ही इसे प्रेतात्मा कंट्रोल कर सकती है, इसे कर सकती है कौन यहां पे? कोई देवात्मा ही इसे कंट्रोल कर सकती है, उसी को मैं ईश्वर कहूंगा, उसी को मैं क्या कहूंगा पे? भगवान कहूंगा, अल्लाह कहूंगा, खुदा कहूंगा, उसी को ही मैं कहूंगा ब्रह्म, ठीक है, उसी को मैं क्या बोलूंगा? ब्रह्म बोलूंगा, उसी को मैं बोलूंगा
ब्रह्मांड, ठीक है, और उसी को मैं क्या बोलूंगा यहां पे, उसी को मैं यहां पे ब्रह्म बोलूंगा और समझना रहेगा, ठीक है, यानी कि वो क्या होगा मेरे यहां पे ब्रह्म होगा, ब्रह्मांड होगा। अब एक बात और आती है, यहां पे समझाता हूं, ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हमारा शरीर ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर मैं तुमसे बोलूं, तुम मुझसे बोलोगे सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मेरा जवाब होगा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? बात आती है कि सर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो 3D में बना हुआ है। मनुष्य का जो शरीर है, ये 3D बना हुआ है। भगवान ने मनुष्य के शरीर को 3D बनाया हुआ है, आप ध्यान रखना, ठीक है। 3D बनाया हुआ है का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब अगर मैं इस शरीर को तोड़ू, इस शरीर को मैं तोड़ू, तो क्या बनेगा? हमारा शरीर बना है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। अगर मैं शरीर को तोड़ू तो शरीर किससे बना है? शरीर छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं परमाणु को भी तोड़ दूं, परमाणु को भी तोड़ दूं, तो निकल के आएगा क्या? निकले आएंगे क्या पे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु किससे बना है? परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और अगर मैंने इसे इस लेवल तक तोड़ दिया शरीर को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी 3D ही होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संरचना होती है, कभी आपने अगर किताब में देखी हो तो वो संरचना भी 3D ही होती है। इसका मतलब हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो जिससे हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है, वो क्या है? 3D ही बना हुआ है। अगर ये 3D बना हुआ है तो हम उच्च आयाम पे काम नहीं कर सकते हैं। तो उच्च आयाम पे हम क्या कर सकते हैं, बताता हूं कंक्लूजन। उच्च आयाम पे हम केवल कल्पना कर सकते हैं, उच्च आयाम पे हम केवल कल्पना कर सकते हैं, मैंने आपको यह बताया, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया, पहुंचता हूं पहली लाइन में, क्या है भैया निष्कर्ष क्या निकल के आया? वो ये कि भूगोल जो है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया, भूगोल क्या है? एक काल्पनिक विषय है। भूगोल क्या है? एक काल्पनिक विषय है जिसके अंदर मुझे यहां पे सिर्फ कल्पनाओं में ही मुझे यहां पे बात करनी है, कल्पनाओं में ही मुझे यहां पे काम करना है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहां तक इस लेवल तक कल्पनाओं को करने में अगर आप सक्षम हैं, ठीक है, अगर आप कल्पनाएं कर पा रहे हैं, अगर आप कल्पनाएं कर पाने में सक्षम है, तो इसका मतलब आप रेडी हैं मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, समझ आ रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया भूगोल एक विषय के रूप में कैसा सब्जेक्ट है, हमें इसको किस अप्रोच से हमें इसको यहां पे देखना है, मैंने आपको यह समझाया, ठीक है। अगली वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा अपनी ज्योग्राफी को, जहां पे सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो ज्योग्राफी नाम का जो शब्द है, ज्योग्राफी जिसे भूगोल भी कह देते हैं, ये किस बला का नाम है, समझ आ रहा है क्या? ये ज्योग्राफी है, ये भैया किस बला का नाम है, क्या हो गई ज्योग्राफी? अगले लेक्चर में विस्तार से बात करके जाऊंगा, टेंशन लेने का, ठीक है, बहुत आराम से आप इसे समझ के चल लेना, ठीक है। इस लेवल पे आप यहां पे करके, आप यहां पे ये इस सोच के साथ आप मेरे साथ अगर पढ़ने को तैयार हो तो आप ज्योग्राफी सीखने को तैयार हो, मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूं, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेक्चर को यह पे समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इस लेक्चर को, ठीक है, इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, ठीक है, और इस चैनल को आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और साइड में जो बेल आइकन का जो बटन है उसे आप जरूर से प्रेस कर दें, ठीक है। अगर इतना आप कर देते हैं तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मेहनताना के रूप में ये होगा, और अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए प्रोत्साहन भी होगा, और अगली वीडियो को बनाने के लिए फटाफट से हम लोग यहां पे तैयार हो जाएंगे, आप मेरे साथ पढ़ने के लिए, मैं आपको यहां पे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इतना आप करिए, जो आपके जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, सोचने वाले हैं, ठीक है, इस तरह का जो सोचते हैं उनको वहां पर ये वीडियो आप जरूर पहुंचाइए, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पहुंचाते हैं तो ये आपके लिए तो फायदेमंद है ही है, क्योंकि उससे ही हमें प्रोत्साहन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और हमारे लिए भी ये कहीं ना कहीं ये फायदेमंद चीज होती है, ठीक है। तो आप ऐसा जरूर करिए। चलिए, तो यही सब बातों के साथ में बने रहिए, आप देव के ऐसे अकेडमी के साथ में पढ़ते रहिए ज्योग्राफी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।